चाहे हम उसको प्लान कर रहे हो या उसका फॉर्मेट कर रहे हो या उसकी डिटेल्स लिख रहे हो हमें दो चीज़ों का बेसिकली ख्याल रखना चाहिए एक तो कि हम जो भी कुछ लिख रहे हैं वो सच है उसमें झूठ नहीं होना चाहिए और दूसरी चीज़ क्योंकि वो अब आगे जाके पकड़ा जाए किसी भी पॉइंट के ऊपर तो इट जस्ट रूइंगस थिंग्स फॉर यू और दूसरी चीज़ ये कि कोई आपकी लाइफ की अच्छी चीज़ या अच्छी अचीवमेंट जो है वो मिस नहीं होनी चाहिए यू वॉन्ट टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड तो जब इसी तरह जब आप फॉर्मेट भी उसका सेलेक्ट करते हैं वो भी इसी हिसाब से होना चाहिए कि वो डज़ इट हेल्प यू पुट यूअर बेस्ट फुट फॉरवर्ड आपकी जो अच्छाइयाँ हैं उनको वो ज़्यादा सामने लाए और बुराइयों को इतना हाईलाइट ना करे। तो इस हिसाब से फॉर्मेट भी सेट होना चाहिए बट लेट्स एंड डोंट्स फॉर राइटिंग और फॉर्मेटिंग रेज्यूम फर्स्ट एक तो ये कि उसको सिंपल होना चाहिए बेशक आप अपनी अच्छी बातें बताना चाह रहे हैं लेकिन उसमें से सेलेक्शन बनाएँ कौन सी चीज़ें ज़्यादा रेलिवेंट हैं और उनको ही पेश करें और अगर बहुत सी चीज़ें जो रेलिवेंट हैं फाइंड अ वे टू समराइज़ देम अगर आपने कई सारी ट्रेनिंग्स अटेंड की हैं तो हर किसी के बारे में अलग अलग जुमले लिखने के बजाय ट्राई टू सम इन वन सेंटेंस कि आई हैव रिसीव दिस मैनी ट्रेनिंग्स इन दिस फील्ड या इस टॉपिक से रिलेटेड फील्ड में मैंने इतनी सारी ट्रेनिंग्स ली so, हैं सो डी क्लटर करें उसको उसमें इस तरह बिखरी हुई चीज़ें नहीं होनी चाहिए नीटली uh, ऑर्गेनाइज चीज़ें होनी चाहिए और इट्स अ समरी इट्स स्नैप शॉट ऑफ योर एबिलिटीज़ पूरी आपने उसमें मतलब एक वॉल्यूमिनस नहीं वो होना चाहिए दूसरा ये कि हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का इस्तेमाल ऐसे करें कि वो जो पढ़ने वाला है उसको आसानी हो सो दैट इट टेक्स द आई डाउन फास्टर यानी कि जब वो पढ़ रहे हो तो वो ऐसे ऐसे उनकी नज़र नीचे आसानी से जाए वो कन्फ्यूजन ना हो उसमें तो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बोल्ड में होनी चाहिए क्लियर होनी चाहिए और उनका वो फॉन्ट साइज वगैरह भी हिसाब से होने चाहिए हर हेडिंग का एक सेम फॉन्ट होना चाहिए कंसिस्टेंट होना चाहिए सिमिलरली सब हेडिंग्स के भी वो कंसिस्टेंट होने चाहिए और फॉन्ट्स जो खैर वील टॉक अबाउट द दल्सो उसके अलावा लाइन स्पेसिंग भी आ, जो है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उसको आपने बहुत स्क्वीज किया हुआ है और पढ़ा नहीं जा रहा इट शुड बी ईजी ऑन द आई तो ये आपको जहन में अपने पढ़ने वाले को सोच के लिखना चाहिए कि उसके लिए क्या कैसे ये इजी होगा और एक्सेसिबल होगा ज़्यादा और जो अलग अलग उसके हिस्से हैं हेडिंग्स सब हेडिंग्स क्लियरली सेपरेटेड होनी चाहिए हेडिंग्स के साथ और लाइन स्पेसिंग के साथ उसके अलावा ये है कि आपको हो सकता है आपका क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड है आपका दिल चाह रहा है डिफरेंट तरह के आप कोई फ़ोट्स यूज़ करें डोंट डू दैट ऑन द रेज्यूमे रेज्यूमे पे ये आप ना करें सिर्फ जो बेसिक से कोई फॉन्ट्स हैं टाइम न्यूरोमन हो गया एरियल हो गया आ, कैलिब्री हो गया इस टाइप के फॉन्ट्स पे स्टिक करें जो कि सबके सिस्टम्स पे भी होते हैं और जो पढ़ने में भी ईजी हैं और कम्पैटबल हैं सबके सिस्टम्स के साथ सो यूज़ बेसिक सिंपल ईजिली रीडेबल फॉन्ट्स क्योंकि इस वक्त आपको फॉन्ट्स फैंसी यूज़ करने की या उनको मिक्स कर करके यूज़ करने के uh, कोई नंबर हो सकता है ना मिल रहे हो उसके अलावा uh, क्योंकि जैसे हमने कहा कि पढ़ने वाले को दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो लंबे पैराज या छोटे पैराज भी रेज्यूमे में बिलोंग नहीं करते उस अनलेस uh, सिर्फ शुरू में आपने कोई समरी अपनी एबिलिटीज़ की देनी है उसके अलावा जो है आप कोशिश करें कि बुलेट पॉइंट्स में ही अपनी अचीवमेंट्स को और स्किल्स वगैरह को आप मेंशन करें और मार्जन्स को नैरो ना करें क्योंकि वो उसका अगर आप मार्जिन नैरो करें तो वो ऊपर का और नीचे का और साइड्स का वो अजीब सा कोई कई दफ़ा वो लुक बनता है वो खूबसूरत नहीं लगता सो इट शुड द ले आउट शुड लुक प्रोफेशनल इट शुड लुक अपीलिंग इट शुड नॉट लुक लाइक यू आर एक्सपेरिमेंटिंग विद इट कुछ शोर नहीं है कभी कुछ ट्राई कर रहे हैं कभी कुछ ऐसी उसकी फीलिंग नहीं आनी चाहिए अब रेज्यूमेज का फ्लो को फॉर्मेट करने के दो तीन तरीक़े हैं लेट्स लुक एट दो एक तो है क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट में ये है कि आपने डेट वाइज और सीक्वेंस के साथ करना है और जिन लोगों ने ज़्यादा जॉब स्विच नहीं की या जिनके काम में जो है वो गैप्स uh, नहीं आए हुए तो वो इसको इस फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं और क्रोनोलॉजिकल जब यूज़ किया जाता है वो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल होता है हमेशा यानी आप मोस्ट रिसेंट अपनी चीज़ को पहले बताते हैं क्योंकि उसमें पढ़ने वाले का इंटरेस्ट ज़्यादा है इसी तरह मोस्ट रिसेंट अपनी जो लास्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको पहले बताते हैं एंड देन यू गो बैकवर्ड्स तो दिस इज हाउ द क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट वर्क्स किसके लिए सूटेबल है इफ़ यू हैव वर्टिकल करियर प्रोग्रेशन एंड देर आर नो गैप्स इन योर वर्क एक्सपीरियंस अगर आपने 2014 से 2016 हजार सोलह तक आपने काम करते करते बीच में छोड़ दिया और उसमें कुछ नहीं किया तो अगर आप क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट फॉलो करेंगे तो वो गैप सामने वाले को नजर आएगा कि ये ये दो साल कुछ भी नहीं किया इसने ये कैसी बात है सो दैट पुट्स अ क्वेश्चन मार्क दैट मेक्स यू लिटल आउट ऑफ द फ्लो कि ये मार्केट का हिस्सा नहीं थे दो साल तक तो ये क्या कर रहे थे तो इस फॉर्मेट को आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो गैप जो है बहुत एम्फोसाइज uh, हो जाएगा नज़रों में आएगा तो अगर आपके करियर में कोई गैप्स नहीं हैं और आपने टाइम वाइज़ कोई एक साल या दो साल के लिए काम छोड़ा हुआ नहीं है तो फिर आप क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा अगर आपने बहुत जल्दी जल्दी जॉब्स चेंज किए हैं छः महीने साल बाद आप रिज़ाइन कर रहे हैं या आप किसी और वजह से छोड़ रहे हैं तो दैट विल ऑल्सो भी वेरी ऑब्वियस एंड दैट ऑल्सो पुट्स अ क्वेश्चन मार्क आजकल ये कहा जा रहा है कि अच्छा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक शख्स को बहुत अरसा भी नहीं रहना चाहिए कि पाँच साल से एक जगह क्यों बैठे हुए लेकिन यह कि बहुत कम अरसा जैसे छः महीने या साल या डेढ़ साल बाद भी अगर आपने इस जॉब स्विच की है दैट मेक्स इट लुक लाइक यू डोंट सर्वाइव इन एन ऑर्गेनाइजेशन लगता है कि आपकी काबिलियत नहीं है कि आप किसी एम्प्लॉयर को खुश कर सकें या अपनी जगह बना सकें इसलिए आप जल्दी जल्दी छोड़ते हैं तो अगर ऐसा है तो आप ये वाला फॉर्मेट ना यूज़ करें क्योंकि अगेन इसमें नज़र आ जाएगा क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट का मकसद ये है कि डेट्स के साथ उसमें लिखा होगा कि आपने इतने अरसे से इतने अरसे तक इस जगह पे या इस इदारे के साथ काम किया दूसरा है फंक्शनल फॉर्मेट यानी कि स्किल्स के ऊपर बेस्ड है ये स्किल्स के ऊपर फोकस्ड है इसमें थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकल शुरू में बताई जाती है मेन मेन चीज़ें सो लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर शोकेसिंग अचीवमेंट्स ग्रूप्ड अंडर डिफरेंट स्किल्स फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रेजेंटेशन स्किल्स राइटिंग स्किल्स तो ये डिफरेंट ग्रुप डिफरेंट स्किल्स के अंडर लिखा होगा अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मैंने ये तीन चीज़ें की किसी और चीज़ में टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज में मैंने ये चार चीज़ें की ट्रबल शूटिंग में, में मेरे ये अचीवमेंट्स हैं इट से कि आपने इस डेट से इस डेट तक यहाँ पे नौकरी की उसमें वो चीज़ें मिक्सड होंगी डिफरेंट एम्प्लॉय एम्प्लॉयर्स की स्किल्स uh, की हेडिंग्स के अंडर सो so दैट kind ऑफ कवर्स अप इफ़ there आर एनी गैप्स दिस इज suitable इफ़ there आर गैप्स इन द employment हिस्ट्री यू want टू वर्क इन अ डिफरेंट फील्ड हो सकता है आपने पहले जो है वो एकेडेमिया में काम किया हो और अब आप प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाह रहे हैं तो आपके हो सकता है स्किल्स हों जो ट्रांसफरेबल हों लेकिन ये कि आप उनको हाईलाइट कर सकते हैं उन स्किल्स को इस तरह से जो कि स्किल्स कॉरपोरेट सेक्टर में भी यूजफुल हैं आप उनको हाईलाइट कर सकते हैं इस तरह क्योंकि वरना आपका एक्सपीरियंस जो है इतना डायरेक्टली रेलिवेंट शायद शो ना करो यू वॉन्ट टू हाईलाइट अ स्पेसिफिक स्किल तो ऑब्वियसली आप स्पेसिफिक स्किल्स को हाईलाइट उसमें कर सकते हैं क्योंकि वो उसमें हेडिंग्स बनी ही स्किल्स के हिसाब से होंगी ना कि डेट्स के, के हिसाब से इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर अ स्टूडेंट और एंट्री लेवल कैंडिडेट विद लिटिल और नो एक्सपीरियंस क्योंकि वो हर हेडिंग के नीचे उसको पॉपुलेट करने में दिक्कत होगी सो इट मे नॉट बी यूजफुल और आल्सो सम हु लैक्स रेलिवेंट स्किल्स दैट कैन बी शो केसड स्टूडेंट हो या कोई और एक्सपीरियंस शख्स हो लेकिन जिसके पास ऐसे स्किल्स ना हो जो कि शोकेस किए जा सकें या हर स्किल की तीन चार स्किल्स की कम से कम आप हेडिंग बनाएं तो वो कोई आ, अच्छा इंप्रेसिव रेज्यू में बनेगा तो अगर इतनी चीज़ नहीं बन रही एंड वी वी डिसाइडेड कि नॉट गोइंग टू मेक थिंग्स अप वी कैन प्रेजेंट देम इन डिफरेंट वेज डिफरेंट तरीक़ों से पेश कर सकते हैं लेकिन कोई दिल से घड़ के कुछ नहीं कर सकते अक्सर हम जैसे हेल्प करते हैं यंग लोग पूछते हैं ये रेज्यू में देख दें हमने ये लेटर लिखा है किसी स्कॉलरशिप के लिए तो उसमें वो अक्सर अपने जो चीज़ उन्होंने टीम के हिस्से में की होती है एज बींग पार्ट ऑफ अ टीम वो उसको ये शो करते हैं उन्होंने लीड रोल उसमें लिया है नाउ दैट इज़ इमीडिएटली रिकगनाइजेबल एकदम से पता लगता है कि ये शख्स इस चीज़ को uh, अकेले से नहीं लीड कर सकता इसकी नहीं है uh, जो स्टेज इन द करियर या उसकी वो प्रोफेशनल स्टैंडिंग अभी इतनी नहीं है तो डोंट डू दैट वो एकदम से चीज़ नज़रों में आती है और पहचानी जाती है एंड देन द रेज्यूमे विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर दैट रीज़न सो दिस इज अ फंक्शनल फॉर्मेट उसके बाद कॉम्बिनेशन फॉर्मेट भी आप दोनों भी कर सकते हैं और मुझे दिस इज़ द वन आई वुड प्रिफ़र कि दोनों चीज़ें आप थोड़ी थोड़ी बता सकते हैं शुरू में जो है प्रोफेशनल प्रोफाइल बताएं समरी ऑफ स्किल्स एंड अचीवमेंट्स तो और उसके बाद क्रोनोलॉजिकल वर्क एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन लेकिन इसमें फिर क्रोनोलॉजिकल की बहुत डिटेल्स नहीं देते आप आखिर की कुछ अपनी जॉब एक्सपीरियंसिस बता देंगे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आप आखिरी वाली बता देंगे अगर आपने दो मास्टर्स की हैं तो आप बस वो दो मास्टर्स बताएंगे पूरी एफ ए बी ए मेट्रिक या ये सारी फिर नहीं करेंगे थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकल का हिस्सा लेंगे ब्रीफ़ और थोड़ा सा जो है उसका फंक्शनल uh, वाले का हिस्सा लेके उसको करेंगे दिस इज़ सूटेबल इफ यू वॉन्ट टू शो केस अ रेलिवेंट स्किल्स एट यू वॉन्ट टू ट्रांसफर टू अ डिफरेंट इंडस्ट्री एंड यू अर मास्टर ऑफ द स्किल्स मैं दिस इज़ फॉर अ स्लाइटली हायर लेवल ऑफ प्रोफेशनल्स एंड इट्स वेरी इफेक्टिव उसके अलावा आजकल आ, हर चीज़ में इंफोग्राफिक्स का इस्तेमाल हो रहा है रिपोर्ट राइटिंग जैसी सीरियस चीज़ में भी इंफोग्राफिक्स यूज़ हो रहे हैं एडवर्टीज़मेंट्स वगैरह में तो हो ही रहे हैं तो रेज्यूमें भी आ, जो है वो नॉन ट्रेडिशनल फॉर्मेट्स के ऊपर हो सकता है लेकिन उसमें ज़रूरी है कि आप अपने एम्प्लॉयर को जानें और रेसिपियंट को जानें क्योंकि एक ही फॉर्मेट सबके लिए यूज़फुल नहीं हो सकता तो जब आप ये लिखने लगे ये डिसाइड करें कि आपने इंफोग्राफिक्स या कोई भी नॉन ट्रेडिशनल फॉर्मेट करना है नो दैट दिस विल भी एक्सेप्टेबल टू द एम्प्लॉयर उसके अलावा इसमें रिस्क ना लें अगर आप अनश्योर हैं तो किसी दूसरे वाले फॉर्मेट्स में से ही चूज़ करें अगर आपको पूरा यकीन है कि ये पॉजिटिवली रिसीव होगा तो फिर इसको यूज़ करें ये डिज़ाइन से रिलेटेड फील्ड में यूज़ हो सकता है आ, और इसके अलावा जो है ये आर्ट्स या कोई आपने अगर फैकल्टी पोजिशन कोई इस किस्म के शोबे में लेनी है या कोई असाइनमेंट आपने इस तरह का ऑनलाइन पिच करना है तो उसके लिए ये यूजफुल हो सकता है बल्कि इम्प्रेसिव होगा दिस विल स्टैंड आउट दिस विल बी बेटर देन ट्रेडिशनल वंस क्योंकि काम की रिक्वायरमेंट वही है और जो बेंट ऑफ माइंड आपका जो ये शो करेगा ये रेज्यूमे का फॉर्मेट तो वो दिस इज़ एग्जैक्टली वॉट योर एम्प्लॉयर विल बी लुकिंग फॉर इफ़ इट्स डिज़ाइन रिलेटेड और इफ़ इट्स क्रिएटिविटी रिलेटेड और ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स रिलेटेड तो इसके कुछ सैम्पल्स हैं नॉन ट्रेडिशनल फॉर्मेट के इसमें आप देख सकते हैं कि इन्फॉमेशन सारी है उन्होंने टाइम भी बनाई हुई हैं स्किल्स भी शो किए हुए हैं अपना एड्रेस ऑल ऑफ इट इज़ देयर ऑन दैट वन पेज तो इसलिए ये नहीं है कि आप इसमें कोई इन्फॉमेसन लीव आउट करेंगे इन्फॉर्मेशन आपने सारी रेलिवेंट अपनी कवर करनी है बट इट्स जस्ट प्रजेंटेड इन अ डिफरेंट वे और इसमें भी अगर आप इन्फोग्राफर्स करें तो इस ओके इट्स अ गुड फॉर्मेट लेकिन ये कि इसमें भी बहुत ज़्यादा वाइल्ड होने की ज़रूरत नहीं है या बहुत ज़्यादा इमेज़ डालें इट शुड बी स्टिल ऑन ऑन द सेफर साइड यानी जैसे ये आप देख सकते हैं दिस आर वेरी कंजर्वेटिव इसमें कलर्स भी हल्के हैं रीडेबिलिटीज की अच्छी है और ये एस में कोई आपका प्रोफेशनलिज्म uh, के ऊपर कोई डाउट नहीं कर सकता तो दैट्स हाउ इट शुड बी सो बेसिकली ये एक स्नैपशॉट है जो आप अपनी दे रहे हैं अपने प्रोफेशनलिज्म की एंड इट शुड बी वेल थाट आउट